तेजस्वी यादव ने राष्ट्रवाद को हिटलर शाह से जोड़ने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा है कि वे बेवजह के मुद्दों से लोगों को उलझा रहे हैं, उन्हें पहले जात पात खत्म करने की बात करनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदू धर्म एक बहुत ही खूबसूरत धर्म है जो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। उन्होंने नेशन, नेशनल और नेशनलिटी जैसे बातों में लोगों को उलझाने से अच्छा है कि पहले जात पात खत्म करने की पहल करें। तेजस्वी ने कहा कि जो संगठन हिंदूवादी होने का दावा करते हैं उसका अध्यक्ष क्यों नहीं दलित समाज से बनाया जाता और अति पिछड़ा समाज को मौका दिया जाता। आरक्षण की जब भी बात होती है तो खतरे में हिंदुओं का आरक्षण चला जाता है। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम के लिट्टी चोखा खाने पर चर्चा करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को याद दिया। उन्होंने कहा कि वे तो लिट्टी चोखा खा रहे हैं लेकिन उनका क्या, जिन्होंने लिट्टी चोखा बनाया, लोगों को खिलाया, उनका तो पलायन कर दिया गया। तेजस्वी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि हम तो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन पीएम साहब क्या केवल लिट्टी चोखा खाकर बिहार का भला करेंगे? पीएम मोदी को बिहार की भलाई के लिए सोचना चाहिए। बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात करते थे लेकिन चुनाव के बाद अब सब भूल गए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए बिहार को एक पैसा नहीं दिया। बिहार के लोग बाढ़ से तबाह हो गए हैं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।